हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टेक ईएम हियर। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा मोटोरोला के मोटो G50 स्मार्टफोन के बारे में। ये जो स्मार्टफोन है यूरोप के अंदर लॉन्च हो चुका है। सारे स्पेसिफिकेशंस और जो प्राइस है यूरोप के अंदर वो सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिल जाएगा, और फ्यूचर के अंदर हो सकता है इंडिया के अंदर भी ये स्मार्टफोन लॉन्च हो। तो वीडियो को रिक्वेस्ट रहेगा कि पूरा ज़रूर देख लेना, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करना, क्योंकि इस चैनल का जो रीच है बहुत ही कम है। 10-15 व्यूज़ ही आते हैं इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियोज़ में डालता हूँ। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो अपने जो व्यूज़ है वो भी बढ़ेगा और रीच भी बढ़ जाएगा अगर आपका सपोर्ट रहा तो। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करूंगा स्पेसिफिकेशन से, क्योंकि पहले जान लेते हैं स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके बाद बात करेंगे प्राइसिंग की, क्योंकि इससे हमें ये अंदाज़ा लगेगा कि ये फ़ोन ओवर प्राइस है या नहीं, क्योंकि स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही प्राइस जस्टिफाई करती है। अगर वैसा नहीं होगा तो लास्ट में मैं जो भी ओपिनियन होगा मेरा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन से। तो यहाँ पर डिस्प्ले से शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको HD+ रेजोल्यूशन मिलता है। ये एक चीज़ मुझे कमी लगा डिस्प्ले के अंदर। तो इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ जो देखने को मिलता है वो है 90Hz रिफ्रेश रेट। ये एक चीज़ कॉम्बिनेशन मतलब बहुत ही अलग लगा, HD+ डिस्प्ले के साथ 90Hz का रिफ्रेश रेट। ये पता नहीं मोटोरोला मतलब किस तरह के प्लानिंग है इनका। तो यहाँ पर अगर फुल HD+ डिस्प्ले दे देते तो और भी अच्छा रहता डिस्प्ले के मामले में। तो चलिए कोई बात नहीं, और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिस्प्ले के डिज़ाइन के बारे में। यहाँ पर वाटर ड्रॉप नोच का डिज़ाइन देखने को मिलता है डिस्प्ले में, और इसके अलावा डिस्प्ले के अंदर ज़्यादा कुछ खास चीज़ें हैं नहीं। तो अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रोसेसर की। यहाँ पर क्वालकॉम का बजट सेगमेंट का 5G प्रोसेसर दिया गया है, जो कि है स्नैपड्रैगन 480। ये जो प्रोसेसर है 8nm फैब्रिकेशन प्रोसेस से बना हुआ प्रोसेसर है, और इसके साथ ही इसके अंदर आपको एड्रीनो 619 GPU देखने को मिलता है। प्रोसेसर डेली लाइफ यूजेस के लिए अच्छा है, लेकिन गेमिंग वगैरह के लिए इतना अच्छा नहीं है। अभी फ़िलहाल ये प्रोसेसर नया है और इसका प्राइस भी थोड़ा हाई रखा जा रहा है। बजट सेगमेंट मतलब मैं समझता हूँ 15,000 से नीचे, लेकिन इस प्रोसेसर के साथ जो स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं उनका प्राइस 20,000 के आसपास चला जा रहा है। ये एक चीज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और इन सब के अलावा बात करें रैम और स्टोरेज की, यहाँ पर आपको 4GB प्लस 64GB स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलता है, और इसके साथ एक 128GB स्टोरेज ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। इनके अलावा बात करें यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है एंड्रॉयड 11 OS पर बेस्ड है, जिसके अंदर जैसे ही पता होगा आपको मोटोरोला के अंदर स्टॉक एंड्रॉयड का UI होता है। ये एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मोटोरोला के स्मार्टफोन के अंदर। तो इन सब के अलावा अब बात करते हैं कैमरा के बारे में। यहाँ पर बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसके अंदर 48MP का मेन कैमरा है, और इसके साथ एक 5MP का माइक्रो कैमरा है, और तीसरा जो है 2MP का डेप्थ कैमरा। और फ्रंट कैमरे की बात करें सेल्फी की, तो यहाँ पर 13MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। कैमरा का जो सेटअप है वो अच्छा हम कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा सेटअप यहाँ पर दिया हुआ है। कैमरा में मुझे कोई कमी नहीं लगा। और बात करें बैटरी की, यहाँ पर 5000mAh का बैटरी देखने को मिलता है, इसके साथ फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो यही था अंदर के जो भी स्पेसिफिकेशन थे। बात करें बिल्ड क्वालिटी की, प्लास्टिक का बिल्ड है तो बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ पर आपको एवरेज मिल जाता है। स्मार्टफोन के अंदर जो भी मेन हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशन था वो आपको मैंने बता दिया है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। ये जो स्मार्टफोन है यूरोप के अंदर जिस प्राइस में लॉन्च हुआ है उसे अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो वो लगभग 21,000 के आसपास बनता है। तो अभी तक ये जो स्मार्टफोन है इंडिया के अंदर कभी आएगा या नहीं इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है इंडिया के अंदर आ सकता है, क्योंकि ये एक बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन है और ये स्मार्टफोन ज़रूर आएगा इंडिया में, लेकिन अभी इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आगे जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगा मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा वीडियो के थ्रू। और आपको इस स्मार्टफोन का जो प्राइस है कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। जो भी स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से प्राइस जस्टिफाई करती है या नहीं मुझे ज़रूर बताना। मैं अपना ओपिनियन बताऊँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राइस लगा। इंडिया के अंदर अगर ये स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो इसका प्राइस मैं गेस करूँ तो लगभग 13,000 से 15,000 के अंदर रखना चाहिए मोटोरोला को, लेकिन वो तो मेरा ओपिनियन है। देखते हैं मोटोरोला वाले क्या करते हैं, इंडिया के अंदर किस प्राइस रेंज में स्मार्टफोन को लेके आते हैं फ्यूचर में।
तो वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कुछ इम्प्रूवमेंट्स मैं कर पाऊँ उसके बारे में भी सजेशन दे सकते हैं कमेंट में। और इस वीडियो के अंदर बस इतना ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना था। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करूँगा, मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसे ही कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।